आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन होंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नई जॉब नोटिफिकेशन पर। काफी लंबे समय के बाद काफी बेहतरीन पोस्ट के साथ यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। दोस्तों आप लोग इस वीडियो में जानेंगे क्या क्या रिक्रूटमेंट है, कैसे आप लोग फॉर्म को फिल करेंगे और दोस्तों कौन कौन से स्टेट वाले लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि इस नोटिफिकेशन के ऊपर हम लोग फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं एजी आप लोग के अपने चैनल दोस्त IQ में एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। जी दोस्तों, इस चैनल पे आप लोग हमेशा लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट मिलते रहते हैं और अमेजिंग फैक्ट्स के वीडियो मिलते रहते हैं। तो इसी प्रकार रियल जेन्युइन जॉब से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दोस्तों प्रेस कर दे, ताकि आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशन डेली मिलते रहें। तो चलिए बात करते हैं नोटिफिकेशन के ऊपर। जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं RRC द्वारा यानी कि रेलवे द्वारा निकाली गई वैकेंसी के ऊपर। तो दोस्तों इसमें बात करते हैं आपको कौन सा पोस्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों पोस्ट की बात की जाए तो इसमें आपको स्टेशन मास्टर का पोस्ट देखने को मिलने वाला है दोस्तों आपको। और टोटल पोस्ट की बात की जाए यहाँ पे टोटल कितने पोस्ट पे वैकेंसी कराई जा रही है, तो यहाँ पे दोस्तों 38 पोस्ट पे वैकेंसी कराई जा रही है। दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है कि 38 पोस्ट पे कराई जा रही है और यहाँ पे स्टेशन मास्टर की आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो काफ़ी अभी मज़ेदार है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि फॉर्म कैसा है और कैसे आप लोग अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं रखा गया है, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है, क्योंकि हर एक फॉर्म का कुछ ना कुछ एज लिमिट होता है। तो एज लिमिट की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 18 से लेके 45 वर्ष के बीच वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 18 से 45 वर्ष के बीच में आते हैं तो फॉर्म जरूर अप्लाई करिए, क्योंकि दोस्तों गोल्डन चांस है, काफ़ी ज़्यादा इसमें एज लिमिट दिया है। तो आप लोग जो फॉर्म अप्लाई करिए ताकि आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो बेहतरीन तरीके से बन जाए। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अब इसमें छूट के ऊपर। दोस्तों छूट के ऊपर, तो जो एज कैटेगरी रखा गया है उसमें आपको छूट भी मिलेगी, यानी कि अगर OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज छूट भी मिलती है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका एज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें कितना एग्जाम शुल्क यानी कि एग्जाम फीस कितना लगने वाला है, ताकि आप लोग फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम शुल्क की बात की जाए तो यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं रखा गया है, यानी कि आप लोग फ्री में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कुछ भी चार्ज नहीं रखा गया है, सबसे अच्छी बात है कि आप लोग इस फॉर्म को फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात यहाँ पे रखी गई है। दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि आप लोग फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो दोस्तों यह फॉर्म जो आपको देखने को मिलने वाला है वो ऑनलाइन देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों ऑनलाइन जो लिंक है आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, दोस्तों जो ऑनलाइन लिंक है वो आप लोग ध्यान सुन लीजिए, ताकि फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों ऑनलाइन लिंक की बात की जाए तो यहाँ पे indianrailway.gov.in पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक बार ध्यान सुन लीजिए, indianrailway.gov.in पे जाके आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अब यह किस राज्य की वैकेंसी है। दोस्तों यह बात की जाए MP जबलपुर की वैकेंसी है। अगर आप MP से बिलोंग करते हैं तो आप लोग बेहिचक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात की जाए अदर स्टेट के लिए, यहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है, तो अगर आप लोग नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से आप भी चेक कर लेंगे तो काफ़ी बेहतरीन होगा, क्योंकि पोस्ट मास्टर की वैकेंसी है। आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें। नोटिफिकेशन चेक करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैंने नोटिफिकेशन पुट आउट किया है, मतलब वहाँ पे रखा है, तो आप लोग वहाँ पे जरूर चेक कर लें। या तो आप लोग टेलीग्राम में जाके सर्च मारें दोस्त IQ1, या तो आप लोग ऑफिशियल चैनल पे जाके भी आप लोग इसे देख सकते हैं। तो आप लोग जैसी इच्छा हो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अब इसमें जो डेट रखा गया है, लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट क्या रखा गया है, ताकि आप लोग को फॉर्म अप्लाई करते समय कुछ प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे स्टार्टिंग डेट के बारे में, तो स्टार्टिंग डेट जो है यहाँ पे 26 जून 2021 रखा गया है, और लास्ट डेट की बात की जाए तो 25 जुलाई 2021 तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी अभी ज़्यादा दिन आपको पास है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो आप लोग जरूर अप्लाई करें, ताकि आपका सिलेक्शन का चांस दोस्तों काफ़ी बेहतरीन और बेहतरीन तरीके से बन जाए। तो आप लोग सुन लीजिए दोस्तों, लगभग आपको यहाँ पे 25 दिन मिल रहे हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो इसी डेट में आप फॉर्म अप्लाई करिए, वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और आप लोग हो
सके तो फार्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए कैसे इसमें सिलेक्शन मिलने वाला है, तो दोस्तों आपको इसमें CBT के थ्रू गुजरना पड़ेगा, यानी कि आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपका छोटा सा इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाए, सिलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी मतलब अच्छी वैकेंसी है, इसका थोड़ा लेंदी प्रोसेस है बट दोस्तों काफ़ी मज़ेदार वैकेंसी है, स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है। तो इससे रिलेटेड कुछ और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट करिए, और दोस्तों जाते जाते आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आप लोग को डेली आपको अच्छी जेन्युइन जॉब से रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।